फ्रेंड्स स्वागत है एजुकेशन हब या चार आई में। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको मॉर्फोलॉजी शब्द विचार बताऊंगी। तो फ्रेंड्स शब्द इसकी डिफिनीशन है वर्ड वर्ड या वर्ड या वर्डों का ऐसा समूह कोई अर्थ होता है वर्ड या वर्डों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द शब्द कहलाता है। शब्द के भेद शब्द के भेद शब्द का वर्गीकरण निम्नलिखित चार आधारों पर किया गया है। शब्द का वर्गीकरण निम्नलिखित चार आधारों पर किया गया है। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। शब्द का वर्गीकरण निम्नलिखित चार आधारों पर किया गया है। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर
शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद तो का है, तो फ्रेंड्स का है तत्सम शब्द। का है तत्सम शब्द, संस्कृत वर्ड्स, संस्कृत हिंदी भाषा की संस्कृत हिंदी भाषा की संस्कृत वर्ड संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है निश्चय ही। निश्चय ही निश्चय ही संस्कृत के निश्चय ही संस्कृत के अनेक मुख्य मूल रूप में हिंदी में निश्चय ही संस्कृत के अनेक शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्हें शब्द तत्सम शब्द इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे जैसे सूर्य वायु जैसे सूर्य वायु अग्नि बिच्छा वर्ष सर्प आदि जैसे सूर्य वायु अग्नि वानर भिक्षा वर्ष सर्प आदि। खा है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द संस्कृत वर्ड्स चेंज्ड टू हिंदी, तद्भव शब्द संस्कृत वर्ड्स चेंज्ड टू हिंदी, तो
ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो मूल रूप से मूल रूप से संस्कृत जो मूल रूप से संस्कृत के ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु अपने थोड़े परंतु अपने थोड़े से रूप में रूप परिवर्तन के कारण परिवर्तन के साथ वे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे सौंप जैसे सांप घर दूध घी कुआं जैसे सांप घर दूध घी कुआं जीव तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ वे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सांप घर दूध घी कुआं जीव बंदर आदि। तो यह तत्सम यह तद्भव भक्त का है तद्भव भगत अंगुली का है तद्भव उंगली अंगुली का है उंगली अग्नि का है तद्भव आग आम्र का है तद्भव आम अश्रु का है तद्भव अश्रु का है आंसू अंधकार का है तद्भव शब्द अंधेरा अंधकार का है तद्भव शब्द अंधेरा उष्ट्र का है तद्भव शब्द ऊंट ग्रह का है तद्भव शब्द घर भक्त का है भगत तद्भव अंगुली का है उंगली अग्नि का है आग आम्र का है आम अश्रु का है आंसू अंधकार का है अंधेरा उष्ट्र का है ऊंट ग्रह का है घर।
तो गा है, गा है देशज शब्द। नेटिव वर्ड्स देशज शब्द। देशज शब्द हिंदी में देशज शब्द हिंदी में हिंदी में अन्य किसी देशज शब्द हिंदी में अन्य किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं। से जनजीवन देशज शब्द हिंदी में अन्य किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं। ये शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल में बोलचाल में भाषा में प्रयुक्त जनजीवन की साधारण बोलचाल में भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। किए जाते हैं क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं। हिंदी ही देशज देशज शब्द हिंदी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं। सॉरी, यहाँ पर ही
इन्हें ही देशज शब्द कहा जाता है। जैसे 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 थैला, गाड़ी, झुग्गी, खिड़की, घोंसला, पगड़ी आदि। थैला, गाड़ी, झुग्गी, खिड़की, घोंसला, पगड़ी आदि। तो गाघा है विदेशी शब्द। फॉरेन बर्ड्स हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं। हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं और वे सभी शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में वे सभी शब्द अपने मूल रूप में ही आ गए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें ही विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे आलू,
जैसे आलू, पेंसिल, हलवाई। आलू, पेंसिल, हलवाई, अदालत, बहादुर आदि। क्वेश्चन दूसरा, तो ये दूसरा है रचना या बनावट। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है का, रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। डी तो सुना वर्ड्स। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति स्थान, वस्तु, भाव, और किसी व्यक्ति स्थान वस्तु भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के
सार्थक खंड, नहीं ये इनके इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। किए जा सकते हैं तो जैसे जैसे हाथ पैर दिन दिन राज सॉरी रात दिन रात आद मेज आदि किसी व्यक्ति स्थान ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति स्थान वस्तु भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे हाथ पैर दिन रात मेज आदि तो रा जैसे रात का रा प्लस ता मेज जैसे मेज में प्लस जा तो दूसरा है खा है यौगिक शब्द कंबाइंड कंबाइंड वर्ड्स दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक स्वतंत्र 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 शब्दों के मेल शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे आत्मकथा जैसे आत्मकथा जैसे आत्मकथा रसोई घर भरपेट विद्यार्थी आदि जैसे आत्मकथा रसोई घर भरपेट विद्यार्थी आदि जैसे पाठ
पाठ पढ़ना, शाला, स्थान, गाहे, योग, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल, योग रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल, कंबाइंड वर्ड्स, ऐसे ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जिनका अर्थ जिनका अर्थ ऐसे यौगिक शब्द जिनका अर्थ परंपरा से किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित है। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे हिमालय, चिड़ियाघर, दशानन, चक्रधर आदि। जैसे हिमालय, चिड़ियाघर, दशानन, चक्रधर आदि। तो तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्द भेद प्रयोग के आधार पर
दो प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो पहला का है, का है विकारी शब्द, का है विकारी शब्द ऐसे। ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए, ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाते हैं प्रयोग किए जाने पर जाने पर प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, रूप बदल लेते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं जैसे वर्टिकालिंग परिवर्तन, वेटिकालिंग परिवर्तन बेटा बेटी का वचन परिवर्तन, बेटियां बेटी का वचन परिवर्तन बेटियां, बेटी का कारक प्रयोग बेटी के लिए पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण चौथा क्रिया, चौथा है क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया।
ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटी का लिंग परिवर्तन बेटा, बेटी का वचन परिवर्तन बेटियाँ, बेटी का कारक प्रयोग बेटी के लिए। तो पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। खा है, अविकारी शब्द खा है, अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिन्हें वाक्यों में प्रयोग करने पर ऐसे सब जिन्हें वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग वचन और कारक लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी अविकारी शब्द कहलाते हैं इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं। इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं। जैसे जैसे लड़का धीरे धीरे बोलता है, जैसे लड़का धीरे धीरे बोलता है, लड़के धीरे धीरे बोलते हैं। लड़के धीरे धीरे बोलते हैं। लड़कियों ने धीरे धीरे बोला। लड़कियों ने धीरे धीरे बोला पहला है।
पहले क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा तीसरा समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद चौथा, विस्मयाद बोधक, विस्मयाद बोधक चौथा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर, के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद चार प्रकार के होते हैं। का है एकार्थी, एकार्थी शब्द, का है एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित, एक ही निश्चित अर्थ होता है, एक ही जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी, एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे माता दिल्ली, समुद्र नमस्ते आदि। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे दिल्ली, दिल्ली, समुद्र नमस्ते आदि। खा है अनेकार्थी शब्द,
रखा है। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे नव नौ नया नया पत्र पत्ता चिट्ठी आदि। जैसे नव नौ नया पत्र पत्ता चिट्ठी आदि। गाहे पर्यायवाची शब्द समान अर्थों वाले वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे घर का है पर्यायवाची शब्द, ग्रह धाम निवास आदि। तो घा है विलोम शब्द, बेशब्द। जो शब्द जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ
वे शब्द जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं। वे विलोम विलोम शब्द कहलाते हैं। वे विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे जैसे दुख सुख अंदर बाहर अंदर बाहर दिन रात आदि। जैसे दुख का शब्द विलोम सुख अंदर का है, बाहर दिन का है, शब्द विलोम रात। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।